मेरा नाम है इफ्तखार। मैं एंटरलूप फैक्ट्री में काम करता हूँ। ये मेरी बीवी है, ये भी फैक्ट्री में काम करती है। हम जड़ाला में रहते हैं। मेरी 5 बेटियाँ हैं और ये मेरी जो सबसे बेटी बड़ी बेटी है, उसको एक मुस्लिम लड़के ने बरगला कर अपने घर में बुलाया और अपने घर से उसने उसे अगवा कर लिया। और हम दोनों घर में नहीं थे। जब हम घर शाम को पहुंचे, ये 12 तारीख का वाकया है, तकरीबन 1 बजे का। जब हम शाम को घर आए हैं तो हमने अपनी बच्ची को तलाश किया, जब हमें नहीं मिली। तो हमें पहले भी उस लड़के पर शक था और हमने 15 पर आकर कॉल की है। और शाम को जो रात के तकरीबन 7-8 बजे पुलिस के अफसर आए हैं, उन्होंने हमसे बयान दिए हैं। फिर उन्होंने हमें कहा कि आप जो है ना वो आकर थाने FIR दर्ज करवाएं। हमने 12 तारीख का वाकया है, हमने 12 बजे रात को जाकर FIR कटवाई है। तो उसके बाद 4 दिन गुजर गए, पुलिस ने हमसे कोई दावा नहीं किया। हमने उस लड़के का नंबर भी जाकर पुलिस को दिया, जो उस वक्त चल रहा था, तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और 5वें दिन बाद जाकर उन्होंने हमें एक वीडियो दे दी और उन्होंने हमें बुला कर कहा कि ये बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उन्होंने जो है वो निकाह कर लिया है इस्लाम के मुताबिक, और अब आपका केस जो है वो फारग है। आपने जो FIR करवाई थी कि बच्ची अगवाह हुई है, तो बच्ची अगवाह नहीं हुई है, ये तो आप उसके बयान देख लें। तो उन्होंने जब हमें दिखाया तो उस बच्ची के बयान जो थे वो उन्होंने अपनी मर्जी से, क्योंकि वो बच्ची उस वक्त अकेली उनके साथ थी, वो उसे दबा कर डरा धमका कर जो मर्जी उससे करवा लें, उन्होंने डरा धमका कर उसे बयान दिलवाए हैं और आज कोर्ट में भी उसके बयान हैं। मेरा नाम शादा वे, असी शहरों वाले च रहने हैं, जड़ा वाला वे लगदा शहर सन, ते सन कोई इंसाफ नहीं मिला है, सन इंसाफ चाहिए, साड़ी बच्ची वापस आनी चाहिए, साड़ी बेटी नूं ना उन्होंने अपने कब्जे च कर लिया होया है, साड़ी किसी पासे किसी ने भी गल नहीं सुनी है, सानू साड़ी बेटी चाहिए। हम अपील करते हैं, अगर हमारी आवाज़ सुनी जाए। हम बहुत दिनों से अपनी बेटी से जुदा है, आप सब भी बेटियां वाली होंगे, आप दर्द समझते होंगे। हम आपसे मिन्नत करते हैं कि हमारे दुख को हमारी तकलीफ को सुना। की नाम तेरा? दिया। हैं? दिया। तेरे वालद का नाम की है? इफ्तखार। वालदा तेरी का नाम? शायदा। ते तू की कीता वा? शादी की, मुसलमान हूँ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਗੁਜ਼ਾਲ ਨਾਲ। ਹੈਂ? ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਜ਼ਾਲ। ਗੁਜ਼ਾਲ ਨਾਲ? ਤੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਜੇ? ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਲਾਹੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ? ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ? ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਣ ਦੀ ਘਰੋਂ ਆਈ ਆ? 12 ਤਰੀਕ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ?
ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋ ਖਤਰਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਬਾਈ? ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਕੇ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ? ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਅੱਛਾ ਕਾਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ? ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ 164 ਦੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇਣੇ ਆ?